आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल में हम आपको सुनवा रहे हैं शाहिद बदायूनी की लिखी नाटिका सीधा आदमी। निर्देशक हैं F.C. माथुर। ये क्या करते हो मक्खन? मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूँ कि सामान इस तरह जमीन पर ना पटका करो। पानों का पिटारा है बाबूजी, कोई टूटने फूटने वाली चीज नहीं है। कुछ भी सही, ये धरपटक की आदत अच्छी नहीं। ये रेलवे माल गोदाम है, कबाड़ खाना नहीं। कभी किसी का कुछ नुकसान हो जाए तो कितनी बुरी बात है। बाबूजी, पानों की बिल्टी आ गई हमारी? जी हाँ, आ गई। मक्खन, ये बनवाई लाल जी का सामान दे दो। इधर आइए साहब। जाइए। अच्छा बाबूजी, शुक्रिया। बिल्टी ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए। क्या नोट? ये कैसे नोट? बस रख लीजिए। ये आज नई बात कैसी? ताली दोनों हाथों से बजती है साहब, एक हाथ से नहीं बजती। क्या मतलब? हम एहसान फरामोश नहीं है साहब। आप भले ही कुछ ना कहें, मगर हम खूब समझते हैं कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। आप जब से इस माल गोदाम में आए हैं, हमारा सैकड़ों रुपयों का फायदा हो चुका है। मेरे यहाँ आने से सैकड़ों का फायदा हो गया? जी हाँ, आपको तो मालूम ही है कि रोजाना हमारी पानों की बिल्टी आती है और ज्यों की त्यों मिल जाती है। वो तो मिलनी ही चाहिए, इसमें किसी का क्या एहसान है। उठा लीजिए अपनी ये नोट और आइंदा कभी ऐसा ख्याल ना करना। आइंदा देखा जाएगा बाबूजी, मगर अभी तो आपको ये नोट लेने ही पड़ेंगे। यानी आप जबरदस्ती मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? रिश्वत मजबूरन दी जाती है साहब, जबरदस्ती नहीं दी जाती। और मैं तो ये रुपए खुशी से आपके बच्चों को मिठाई खाने के लिए दे रहा हूँ। माफ कीजिए, मेरे बच्चे इस किस्म की मिठाई खाने के आदि नहीं। मेहरबानी करके आप अपने ये नोट जेब में रख लीजिए। अरे कहाँ चले, ये रुपए तो लेते जाइए। कला के ले जाऊंगा। सुनिए तो, अरे सुनिए तो। अच्छी बात है। मक्खन, ओ मक्खन, ये रुपए तो दियाओ बनवारी लाल को। कहाँ है वो? वो देखो, वो तांगे के पास खड़े हैं। लपक के जाओ। बाबूजी, ये आमों की करंडियां सेठ जी ने दी हैं आपको? मुझे दी है? जी हाँ, सेठ जी ने कहा है इसमें 5.5 दर्जन कलमी आम हैं। मगर हमने तो उनसे इन आमों की फरमाइश नहीं की थी। क्या कीमत है इस करंडिया की? साहेब, कीमत तो मुझे नहीं मालूम, पर हाँ, सेठ जी ने ये आम आपको तोहफे में भेजे हैं। तोहफे में दिए हैं? जी हाँ। ठहरो, कहाँ जाते हो? इधर आओ, ये करंडिया ले जाओ और अपने सेठ जी से कहना कि आइंदा कभी ऐसी तकलीफ ना करें। जाओ ले जाओ। अजीब लोग हैं, ऐलानिया रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, कानून का रत्ती भर भी खौफ नहीं। बाबूजी, बनवारी लाल ने रुपए नहीं लिए। नहीं लिए? क्या कहा? वही जो आपसे कहा था। समझ में नहीं आता ये शख्स क्या चाहता है। कुछ नहीं चाहता है साहब, बच्चों को मिठाई खाने को दे गया है। आप कबूल नहीं करते तो कल वापस कर देना। कल तक कौन इंतजार करेगा? तुम एक मैनेजर फार्म तो ले आओ। 3 बज गए साहब। हो, अब तो मनीआर्डर भी नहीं हो सकेगा। क्या किया जाए? पुलिस स्टेशन पे जमा कर दूं या क्यों? मामला लंबा चौड़ा हो जाएगा साहब, इससे तो ये अच्छा है कि आप घर जाते समय बनवारी लाल की दुकान पर जाकर उन्हें ये रुपए दे दें। हाँ, ये ठीक है, मगर मुझे उसकी दुकान नहीं मालूम। मैंने देखी है दुकान, मैं आपके साथ चला चलूंगा।
दरवाजा खोलो। कहाँ गए थे जो इतनी रात गए आए हो? अंदर भी आने दोगी या यहीं से सब कुछ पूछ लोगी? चलिए ना, मैंने क्या रास्ता रोका है? बच्चे सो गए? शाम से इंतजार करते करते अभी सोए हैं बेचारे। तुम्हें आज इतनी देर क्यों हुई? भाई क्या बताऊं, आज पानों का एक व्यापारी 10 रुपए का नोट दे गया मुझे जबरदस्ती। दे क्या कम वक्त? क्यों? बच्चों को मिठाई खाने के लिए। हमारे बच्चों को? हाँ, मगर बच्चों का तो एक बहाना था। दरअसल रुपए उसने इसलिए दिए हैं कि उसके पानों की जो बिल्टी रोजाना आती है वो महफूज रहे और उसमें कोई दस्तंदाजी ना करे। ये तो तुम्हारी ड्यूटी है। मैंने हर चंद इनकार किया मगर वो नहीं माना और रुपए मेज पर डालकर चलता बना। फिर क्या, वही रुपए उसे वापस देने गया था उसकी दुकान पर। रुपए वापस कर दिए? नहीं, रुपए वापस नहीं हुए। वो दुकान पर भी नहीं था। मैं अब तक इसका इंतजार करता रहा मगर जब उसका नौकर दुकान बंद करके जाने लगा तो मैंने उससे कहा, भाई तू मुझे अपने सेठ का घर तो बता दे। ओह, तुमने उसका घर तक पीछा किया और रुपए वापस करके ही माने? यही तो रोना है कि रुपए फिर भी वापस नहीं हुए, वो कमबख्त घर पर भी नहीं मिला। अब सोच रहा हूँ क्या करूं। करोगे क्या? वो रोजाना माल गोदाम पर आता है ना, कल ये रुपए उसके हवाले कर देना। कल वो ना आया तो फिर उसकी दुकान पर हाजिरी देना, और दुकान पर भी ना मिले तो घर के चक्कर। तन फरमाने और हंसने की तौफीक तो हुई मगर इस बात पर गौर करने की जरूरत नहीं महसूस की कि मामला कितना संगीन और खतरनाक है और मैं कितनी उलझन और परेशानी में हूँ। रस्सी को सांप और राई को पहाड़ समझने वाले हमेशा उलझन और परेशानी में मुब्तला रहते हैं। मैं कहती हूँ तुम जैसा सीधा आदमी भी दुनिया में शायद ही कोई होगा। घर का ये हाल है कि बच्चों को दूध नसीब नहीं, उनके स्कूल की फीस अदा नहीं हुई है, फीस का बच्चों से रोज तकाजा होता और मेरी जान को रोते हैं। और जनाब हैं कि पारसाई का लबादा उड़े खाली अंदेशों में उलझे हुए हैं। जरा आंख खोलकर अपने इर्द गिर्द देखिए, लोग किस तरह जिंदगी बसर करते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं, नजमा किशोर मकसूद की मिसाल हमारे सामने। वाह वाह, क्या मिसाल पेश की है, सुभान अल्लाह। हंस क्या रहे हो? वो लोग जिस शान शौकत और रईसाना ठाट बाट के साथ जिंदगी बसर करते हैं, दूसरों को मुंह चाहिए? कुछ बसंत की भी खबर है? उनकी वो शान और शौकत, रईसाना ठाट बाट खाक में मिल गए और उनके साथ ही साथ इज्जत और आबरू का भी जनाजा निकल चुका है। क्यों बिलावजह किसी को बुरा कहते हो? आज का अखबार देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं बुरा कह रहा हूँ या हकीकत बयान कर रहा हूँ। आखिर हुआ क्या, साफ साफ क्यों नहीं कहते? मकसूद मियाँ स्मगलिंग के इल्जाम में धर लिए गए हैं और कल से जेल की हवा खा रहे हैं। मकसूद कल से जेल में है? जुर्म इतना संगीन है कि जमानत भी नहीं हुई। ये देखो अखबार में फोटो है मकसूद मियाँ का। हजारों रुपए के माल की ब्लैक करने वाला स्मगलर रंगे हाथों गिरफ्तार। जी, मोटर इंतहाई तेज रफ्तार करने के बावजूद मुलजिम भागने में कामयाब ना हो सका। ओहो, ये तो बड़ा अफसोसनाक हादसा है। अफसोसनाक? इसमें अफसोस ही क्या बात है? हाँ, ये कहो कि वाकया बहुत शर्मनाक है। कुछ भी सही, नजमा पर क्या गुजरी होगी? उस पर क्या गुजर रही होगी ये तो वही जान सकती है, लेकिन इस वाकये से अब उन लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए जो मेहनत की रोटी को हकीर समझते हैं और नाजायज कमाई को जिंदगी का मकसद बनाए हुए। खाना खा लो, फिर जरा नजमा के पास चलेंगे। तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। हाँ, मुमकिन हो तो एक प्याली चाय बना दो। चाय तो है मगर बगैर दूध की है। क्यों, क्या दूध वाला नहीं आया? उसने आशय में दूध देना बंद कर दिया। पिछले दाम मांगता होगा। कुछ और है। लो ये चाय। बहुत स्ट्रांग है। बच्चों ने चाय कैसे पी? उन्होंने एक एक घूंट ली और मुंह बना के वैसे ही छोड़ दी। बगैर दूध की चाय पीने की बच्चों को आदत नहीं है। रफ्ता रफ्ता आदत हो जाएगी। तुम्हारा मतलब है कि चाय के लिए भी अब उन्हें दूध नसीब नहीं होगा? कम से कम इस महीने में तो दूध मिलना मुश्किल है। बजट में गुंजाइश नहीं कि बाजार से दूध मंगाया जाए। आज 11 तारीख हो गई, तुम्हारे अब्बा जान ने भी अब तक कुछ खबर नहीं ली। अब्बा जान क्या करें, किस किस की खबर लें, किस किस की मदद करें। एक अनार 100 की मार। 11 बेटी बेटियों का कुनबा है। कुनबे के हर फर्द को हमारी तरह उनकी मदद की जरूरत। बकौल गालिब,
कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। बेचारे को 150 रुपए पेंशन मिलते हैं, वो सब हम लोगों की नजर कर देते हैं, इसमें से अपने लिए एक पाई नहीं रखते, बच्चों को पढ़ाकर बसर औकात करते हैं। ज्यादा औलाद होना भी एक मुसीबत है। और मुसीबत भी कैसी, जिससे जिंदगी भर छुटकारा नहीं मिलता। और लोगे चाय? बस। तो आप उठो, जरा नजमा के यहाँ आए। भाई अभी नहीं, फिर किसी दिन चलना। फिर किसी दिन गए तो किस काम, जाने की अभी जरूरत है। बात अखबारों में आ गई है, नजमा क्या कहेगी, सुनकर भी नहीं आए। अभी उसके घर पर तलाशी वलाशी हो रही है, तुम मुझे कहाँ उस झंझट में ले जाना चाहती हो। जरा सूरत दिखा के वापस आ जाएंगे, हमारे रिश्तेदार है, कोई गैर नहीं। उससे दो लफ्ज हमदर्दी के कहने में हमारा क्या बिगड़ जाएगा। हमदर्दी मजलूमों से होती है, मुजरिमों से नहीं। हमें सख्त अफसोस है, जबकि साबित हो गया है कि मकसूद मियां गैर कानूनी तौर पर वारे के न्यारे कर रहे थे। अब तुम ही सोचो, ऐसी हालत में झूठी हमदर्दी जताना तुम्हारे लिए किस हद तक मुनासिब है। ठीक है, रात काफी हो चुकी है, जाओ सो जाओ। मुझे तो आज शायद ही नींद आए। जी हाँ, नींद कैसे आ सकती है, पान वाले ने जेब में टाइम बम जो डाल दिया है, ना जाने वो किस वक्त फट जाए। तुम नहीं समझती हो, रिश्वत का एक पैसा भी 1000 बमों से ज्यादा तबाहकुन होता। मेरी 8 साल की सर्विस है, इस मुद्दत में मैंने हमेशा दयानतदारी और एहतियात से अपना फर्ज अंजाम दिया। लोग मुझे बेवकूफ, अहमक और सनकी कहते रहे, लेकिन मैंने इस बकवास की कभी परवाह नहीं की और ना आइंदा कभी करूंगा। मैं जानता हूं, सही रास्ते पर चलने वाले सीधे आदमी को हमेशा इन्हीं खिताबों से नवाजा गया। अच्छा अच्छा, अभी लेक्चर खत्म करो, मैं सोती हूँ, सुबह ही उठना है। ये जेबों में क्या ढूंढ रहे हो? वो 10 रुपए का नोट जेब में नहीं है। जेब में नोट नहीं है? ऊपर की जेब में रखा था, किसी से कर्ज उधार करूंगा। तुम सो रहो। और तुम? मैं तारे गिनूंगा। मक्खन, तुम्हारे बाबूजी आए नहीं अभी तक? आ गए हैं, वो रहे। आदाब अर्जुन बाबूजी, आप दुकान पर गए और ये नोट छोड़कर चले आए, नौकर से कहा भी नहीं। ये लीजिए। बनवारे जी, अब मुझे आप ये नोट ना दिखाइए, वरना मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा आपको। अरे बाप रे, क्या हुआ बनवारी लाल जी? कुछ नहीं भैया, तुम्हारा बाबू बेचारा सीधा आदमी है। सीधा आदमी। हवा महल में अभी आप शाहिद बदायूनी की लिखी यह नाटिका सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया FC माथुर ने। ये विविध भारती की प्रस्तुति थी।